और हम लोग वापस जा रहे हैं पार्क से, क्योंकि इतने काले बादल हैं, पता नहीं कितना बरसेंगे, इसलिए हम वापस जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। मानसून की पहली बारिश और पार्क का खूबसूरत माहौल का इम्तिजाज और हल्की फुल्की बारिश, मुझे ये वाला गाना याद आ गया। हल्की फुल्की बारिश हो रही थी पार्क में जब हम घर से निकले, तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही थी और ना ही कोई आसार थे, लेकिन पार्क तक पहुँचते पहुँचते बहुत सारे घने काले से बादल जमा हो गए आसमान पर और बिल्कुल अंधेरा सा हो गया। सुबह 5 बजे हम पार्क जाते हैं और पार्क का माहौल बहुत अच्छा होता है, चिड़ियाँ चहचहा रही होती, इतना खूबसूरत माहौल होता है कि देखकर दिल खुश हो जाता है और वॉक करने का तो मज़ा ही आ जाता है। आप लोगों को भी चाहिए कि आप लोग पार्क जाएँ और वॉक करें, अपनी सेहत बनाएँ, क्योंकि सुबह की जो वॉक होती है वो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। ऊपर से इस तरह का मौसम के बहुत ही ठंडी हवा, रोशनी की वजह से ऐसे दिन लग रहा है, लेकिन ऐसा दिन नहीं था, बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था और हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, तो हम लोगों ने वॉक शुरू कर दी। उम्मीद थी कि बारिश नहीं होगी, काफ़ी सारे लोग आए हुए थे क्योंकि सुबह सुबह पार्क में कम लोग होते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है लोग भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं पार्क में। अभी लोग थोड़े हैं, अभी पार्क भर जाएगा थोड़ी देर में। बारिश भी हो रही है लेकिन हल्की हल्की हो रही है। किस चीज़ के नहाने में? ये देखें कुछ लोग एंटर भी हो रहे हैं पार्क में। अच्छा भाई, और बहुत ही खूबसूरत माहौल था, चिड़ियों की आवाज़ें और कोयल की आवाज़, बहुत ही खूबसूरत एक समा बंधा हुआ था और कुछ लोग रनिंग भी कर रहे थे ग्राउंड में। मेरा भतीजा बारिश का मज़ा ले रहा है यहाँ पर, वो जब बारिश तेज़ होगी तो हम वहाँ पार्क में बनी हुई छतरी के नीचे आ गए थे, तो ये भी आकर बैठ गया। मैंने कहा जाओ भाई, जाकर बारिश का मज़ा लो, क्योंकि ऐसा मौका बहुत कम मिलता है कि खूबसूरत मौसम और आप घर से बाहर हों, पार्क में इंजॉय कर रहे हों। ये कुछ लोग दरख्तों के नीचे खड़े हो गए थे बारिश से बचने के लिए, लेकिन जो लोग कमिटेड थे अपनी वॉक के साथ वो बारिश में भी वॉक कर रहे थे और बारिश का मज़ा ले रहे थे। और जो लोग बारिश से बचना चाह रहे थे वो लोग मुख्तलिफ जगहों पर जाकर बैठ गए थे, हम भी कुछ ऐसी जगह पर बैठे थे। ये देखे सारी खवातीन और एक साइड पर मेल भी खड़े हुए हैं, बारिश काफ़ी तेज़ हो गई थी। ये देखें कितनी तेज़ बारिश हो रही है। कुछ लोग मुसलसल बारिश में वॉक कर रहे थे, रनिंग कर रहे थे, और हम लोग बैठे हुए इंतज़ार कर रहे थे कब बारिश रुके और कब हम लोग घर जाएं। मैं कह रही थी अगर वो रात बारिश हो गई तो फिर सुबह वॉक पे नहीं जाएंगे, ये नहीं पता था वॉक पे आके बारिश हो जाएगी। लेकिन बारिश तेज़ होती जा रही थी और वहाँ जो खवातीन बैठी हुई थी वो उठ कर जाने लगीं। पार्क में ज़्यादातर मेल थे तो हमने सोचा चलो हम बैठ कर यहाँ क्या करेंगे, हम भी उनके साथ ही चले गए। बारिश तेज़ बारिश में हम लोग पार्क से निकल आए और अपने घर की राह एंजॉय करते हुए। बादल ही बादल, चलो 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 चलो, अभी हल्की फिर होगी तेज। ओहो लड़की रे, जल्दी करो, क्या हो गया, जाके बोल देना। 10 मिनट हुए बारिश शुरू हुए और कितना पानी जमा हो गया, देखें सड़क पर भी, ये देखें कितना पानी हो गया 10 मिनट में। वाओ, सब जा रही हैं, सारी लेडीज जा रही हैं, क्योंकि पार्क में जब पार्क में जगह ही नहीं थी, सारे मेल थे, इसलिए हम लोग भाग गए पार्क से, घर पहुंच जाए इससे पहले कि बारिश तेज़ हो जाए। चलो 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 चलो। घर आकर हमने बनाए पुड़े
और पूड़े बहुत मज़ेदार बने थे। ये सावन के मौसम की सौगात है जो हम बारिश होने पर बनाते हैं। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए।